बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अजमल। डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप लोगों के साथ में कराची बोर्ड ने एक अहम नोटिफिकेशन जारी किया है, वो शेयर करूँगा और उसकी तमाम तर जो तफसीलात हैं वो आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलते हैं हम लोग। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के कराची में इम्तहानात जारी हैं, उनके इम्तहानात जारी हैं और इस हवाले से उन्होंने कल एक जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो आपके साथ शेयर करता चलूं। यह आप देख सकते हैं कि 21 जून 2022 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है कराची बोर्ड आला सानवी तालीमी बोर्ड की तरफ से। तो यह आपको पढ़कर सुनाता चलूँ कि आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची के तहत इंटरमीडिएट के सालाना इम्तहानात बुराए 2022 के तीसरे रोज़ सुबह और शाम की शिफ्टों में साइंस प्री मेडिकल का जूलॉजी परिचय अव्वल फेलियर, साइंस जनरल का स्टैटिस्टिक्स, होम इकोनॉमिक्स का फैमिली क्लॉथिंग प्रॉब्लम और कॉमर्स रेगुलर व कॉमर्स प्राइवेट का प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के परिचय जो थे वो लिए गए हैं। इम्तहानात के दौरान चेयरमैन इंटर बोर्ड प्रोफेसर डॉक्टर सईदुद्दीन और नाजिम इम्तहानात अनवर अलीम खानजादा ने अलग अलग इम्तहानी मराकज़ का अचानक दौरा करके इम्तहानी अमल का जायज़ा लिया। चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर सईदुद्दीन ने नायब नाजिमीन इम्तहानात असलम चौहान, जाहिद रशीद, आईओसी जरीना राशिद और सीनियर प्रोफेसर फरजाना खान के हमरा गवर्नमेंट इस्लामिया डिग्री गर्ल्स कॉलेज लाइन्स एरिया गवर्नमेंट डिग्री बॉयज़ कॉलेज 7D नॉर्थ कराची और गवर्नमेंट डिग्री बॉयज़ कॉलेज 11A नॉर्थ कराची का दौरा किया। नाजम इम्तहानात अनवर अलीम खानजादा ने गवर्नमेंट डिग्री बॉयज़ कॉलेज बल्दिया टाउन, हाजी अब्दुल्ला हारून गवर्नमेंट बॉयज़ कॉलेज खारादार, रौनक इस्लाम गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन खारादार और पाकिस्तान शिप ऑनर्स गवर्नमेंट कॉलेज नॉर्थ नाजाबाद का दौरा करके इम्तहानी अमल का जायज़ा लिया। चेयरमैन इंटर बोर्ड प्रोफेसर डॉक्टर सईदुद्दीन ने गवर्नमेंट डिग्री बॉयज़ कॉलेज 72 नॉर्थ कराची के अचानक दौरे के दौरान तलबा से नकल का मवाद और 35 मोबाइल फ़ोन बरामद किए। चेयरमैन इंटर बोर्ड ने इस मौके पर मुतल्लिका इम्तहानी मराकज़ के अमले और विजिलेंस ऑफिसर की सख्त सरजनिश करते हुए उनसे बात पुरस्क की। उन्होंने इम्तहानी मरकज़ के अमले को हिदायत की कि आइंदा सख्त चेकिंग के बाद ही तलबा को इम्तहानी ब्लॉक में दाखिल होने दिया जाए। चेयरमैन इंटर बोर्ड प्रोफेसर डॉक्टर सईदुद्दीन ने गवर्नमेंट डिग्री बॉयज़ कॉलेज 11A नॉर्थ कराची के दौरे के दौरान इम्तहानी मरकज़ पर अच्छे माहौल और तलबा को बेहतरीन सहूलियत फ्राहम करने पर इम्तहानी अमले की तारीफ भी की और उम्मीद जाहिर की कि वह आइंदा पर्चों में भी अपने फ़राइज इसी तंदुही और लगन से अंजाम देंगे। तो ये नोटिफिकेशन फ्रेंड जारी किया गया था आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची की तरफ से 21 जून 2022 को, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, जिसमें ये बताया गया है कि चेयरमैन इंटर बोर्ड ने मुख्तलिफ जगहों का इम्तहानी मराकज़ का दौरा किया था और उन्होंने जो है वो एक सेंटर से जो है 35 जो है वो मोबाइल फ़ोन भी स्टूडेंट से बरामद किए, जिस पर उन्होंने वहाँ के अमले की सख्त सरजनिश की और उन्होंने कहा कि आइंदा जो है इस बात का ख्याल रखा जाए कि तलबा की चेकिंग सही तरीके से हो सके। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के पेपर अच्छे हो रहे होंगे और आप लोग अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब रखिए ताकि आने वाली नई वीडियोस भी आप तक पहुँचती रहें। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।